ओके गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाई यील्ड स्टफ के बारे में अबाउट द कार्डियक चैम्बर्स। कार्डियक चैम्बर्स हमारे पास चार कार्डियक चैम्बर्स है, दो एट्रिया है और दो वेंट्रिकल्स है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और इसी तरह राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। बेसिकली हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो क्लिनिकली रेलिवेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हाई यील्ड पॉइंट्स है अबाउट द लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेफ्ट एट्रियम। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है, इट इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, ये हार्ट का मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि जब लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट होगी, ठीक है, जब लेफ्ट एट्रियम जो है वो इनलार्ज होगा, उसकी कॉजेस कौन कौन सी हो सकती है, इट कैन अकर इन केस ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल स्टीनोसिस में और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी क्या हो सकता है, लेफ्ट एट्रिया जो है वो इनलार्ज हो सकता है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में बेसिकली लेफ्ट एट्रियम को शो किया गया है और इस डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब लेफ्ट एट्रियम की डायलेटेशन होगी, इनलार्जमेंट होगी, तो उसके नतीजे में क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस कौन सी अराइज होंगी वो डिपेंड करता है कि जब इनलार्जमेंट होगी उसके करीब जो है कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। हमने कहा है कि लेफ्ट एट्रियम जो है वो हार्ट का मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है। अब चूंकि ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है हार्ट का, तो इसके बिहाइंड जो पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगी उनकी कंप्रेशन होगी। जब लेफ्ट एट्रियम जो है वो डायलेट होगा, इसके पोस्टीरियर कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, इसमें क्या मौजूद है, इसोफेगस मौजूद है, ये जो स्ट्रक्चर आ रही है ये हमारे पास इसोफेगस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आपको ये दो नर्व्स नजर आ रही होंगी, इसको हम बेहतर अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं। एक तो जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें इसोफेगस है और इसके अलावा नर्व्स हैं, वो नर्व्स कौन सी हैं, ये वाली नर्व्स हैं, ठीक है, दीज आर दी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स, ठीक है। और अब जब ये लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट होगी, अब पोस्टीरियर पार्ट में इसोफेगस भी मौजूद है, दिस इज पोस्टीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम, जब लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट होगी तो इसोफेगस की क्या होगी, कंप्रेशन होगी। जब इसोफेगस कंप्रेस होगी उसके नतीजे में क्या होगा कि इंडिविजुअल या पेशेंट जो है जो भी फूड इनटेक करेगा क्या होगा, इट विल कॉज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं, एक ये कॉम्प्लिकेशन होगी। दूसरा कि जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, स्पेसिफिकली लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, उसकी भी कंप्रेशन होगी। जब लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की कंप्रेशन होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, पेशेंट विल डेवलप यस हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, पेशेंट में क्या फीचर डेवलप होंगे, क्या कंप्लेंट डेवलप होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, और इस फीचर को हम ऑर्टनर सिंड्रोम भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्टनर सिंड्रोम। सो माइट्रल स्टीनोसिस में या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जब लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट होगी, डायलेटेशन होगी, तो जो उसके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर मौजूद है उनकी कंप्रेशन होगी, उसमें स्ट्रक्चर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद है, इसोफेगस है और लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। इसोफेगस की जब कंप्रेशन होगी तो क्या होगा, तो पेशेंट जो भी चीज स्वेलो करेगा उसमें डिफिकल्टी होगी, तो इसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। और जब लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की कंप्रेशन होगी तो उसमें क्या होगा, पेशेंट में डेवलप हॉसनेस ऑफ वॉइस, और ये जो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ये ब्रांच आती वेगस नर्व, ये वेगस नर्व की एक ब्रांच है। तो ऑर्टनर सिंड्रोम क्या है, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट की वजह से लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की कंप्रेशन होगी, इट विल कॉज हॉसनेस ऑफ वॉइस एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्टनर सिंड्रोम। इस डायग्राम में भी बेसिकली लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको शो करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे हमें सही तरह नहीं, इसको हम आइडेंटिफाई भी सही तरह नहीं कर सकेंगे और इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। तो हमने ये डायग्राम अरेंज किया आपके लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियरली मौजूद हैं,
तो उसके जब कंप्रेशन होगी उनकी तो क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। जो विजुअलाइजेशन है ये चीजों को समझने के लिए ठीक है और उनको लॉन्ग टर्म अपने माइंड में रखने के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो डायग्राम्स जो है वो हेल्प करती हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे लेक्चर्स हों उसमें हम डायग्राम्स को ऐड करें ताकि आपकी विजुअलाइजेशन के थ्रू लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड हो। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम राइट वेंट्रिकल के बारे में। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है इट इज द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है, इट इज द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। और ट्रॉमा केस में, ठीक है, ट्रॉमा केस में क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल जो है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होगा या इंजर्ड होगा। ठीक है, हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल मौजूद है, ये एरिया जो है राइट वेंट्रिकल का है। चूंकि ये एंटीरियर मौजूद होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट में मौजूद होता है चेस्ट में, तो जब चेस्ट ट्रामा होगा तो उसमें कौन सा अफेक्ट कॉमनली, कौन सा कार्डियक का चैम्बर है कॉमनली अफेक्ट होगा, दैट इज द राइट वेंट्रिकल। और अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट इज अबाउट 2/3, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, इट इज अबाउट 2/3 ऑफ द इंफीरियर कार्डिक सरफेस, और जो इंफीरियर कार्डिक सरफेस है उसका 1/3 जो है इट इज मेड बाय राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर हम इंफीरियर कार्डिक सरफेस पे गौर करें तो इसका जो मेजर पोर्शन है 2/3 जो है इट इज मेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो 1/3 पोर्शन है इट इज मेड बाय राइट वेंट्रिकल। सो गाइस, जो कार्डिक चैम्बर्स है जो हमने डिस्कस कर लिए, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है वो है लेफ्ट एट्रियम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको आपने याद रखना है, और जो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में क्या है कि जब, क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट होता है, जब चेस्ट ट्रामा होगा तो ये पार्ट कॉमनली अफेक्ट होगा। और अगर हम बात करें राइट लेफ्ट एट्रियम की तो उसमें क्या होगा कि किन केसेस में माइटर स्टेनोसिस लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में इसकी इनलार्जमेंट होगी विच विल रिजल्ट इन कंप्रेशन ऑफ द इसोफेगस एंड लेफ्ट रिकरेंट लेंगेनर, और पेशेंट में अदर फीचर्स डेवलप होंगे, तो इनको आपने याद रखना।